असहाय तथा गरीबों के इलाज का खर्चा उठाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं कार्यकारी की हैं, पर तृणमूल स्तर पर इसका सफल इलाज नहीं पहुंच पा रहा है। इसका एक उदाहरण देखने को मिल रहा है नुआपाड़ा जिला कोमना ब्लॉक माहुल भट्टा गांव में। गांव की गुनू छत्रीय 62 के पैर में एक घाव होने के कारण वो विभिन्न अस्पतालों में जाकर इलाज करवाने के बाद भी घाव नहीं सूखा। रूनू के धर्म बेटे अपनी कोशिशों से पेट्रोल से घाव साफ करके तरह तरह के आयुर्वेदिक दवाई लगाकर इलाज करा रहे थे, पर दिन ब दिन घाव सूखने की वजह और बढ़ता जा रहा था। गुनू एक भिन्नक्षम होने के कारण शादी नहीं की है। उनके भाइयों ने दो वक्त का खाना मिलता है, लेकिन इलाज के लिए उनके पास उतना धन नहीं है। इसके लिए नसीब को अपना कर घर पर ही पड़े हैं गुनू। इस दिशा में जिला स्वास्थ्य विभाग नजर देख कर कदम उठाने से गुनू के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। कहाँ से? माहुल भट्टा से। क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए? अपना बड़े पापा का शरीर बहुत प्रॉब्लम है, घाव बढ़ गया है कि इन्हें कि उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल भी ले रहे हैं। हॉस्पिटल डॉक्टर लोग भी बुलाते घर लेके चले जाओ, ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है अच्छा से बोलता है लोग, तो लेके चले आते हैं। हम लोग गरीब आदमी है हम लोग सर, इसीलिए तो जहाँ भी कमा धमा करेंगे तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो पेट्रोल डीजल में ये डिटेल विटेल में फिनाइल में भी घाव के साफ कर रहा हूँ मैं, और जितना पढ़ सकता हूँ उतना ही करूँगा, वो भी तो जीवन है इसीलिए नहीं कर पाऊँगा तो क्या करूँगा। तो ये डॉक्टर लोग ये घाव में ये क्या कीड़ा फिरा हो गया है? हाँ, कीड़ा फिरा भी बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए पेट्रोल वेट्रोल डीजल वीजल फिनाइल वनाइल भी डीजल सब डाल के मैं साफ कर रहा हूँ। अगर मेडिकल लेके गए थे कि नहीं? हाँ, मेडिकल लेके गया था, छोटा छोटा हुआ था जब घाव, तो उन लोग को लेके गया था, तो उन लोग को नहीं हम लोग से नहीं जमेगा, ये लोग भगा देते हैं कि मालम लगा लो, ये दवाई लगा लो बोल के, ड्रेसिंग तक नहीं करते हैं। लगा के पूरा बढ़ गया, पूरा बड़ा बड़ा हो गया है। बदबू आ रहा है? हाँ, बदबू आ रहा है तो मास्क लगा के जाते हैं, कभी कभी बिना मास्क में भी ऐसे चले जाता हूँ मैं, और उसको ड्रेसिंग भी करता हूँ बाहर निकल के, सैंड वैंड भी लाता हूँ। प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे? मैं उन लोग को बोल रहा हूँ कि हम लोग को थोड़ा हेल्प मिलेगा, सहयोग थोड़ा करेगा, हम लोग को गरीब आदमी है, हम लोग का जितना भी था हम लोग के पास भी कुछ नहीं है, अभी खर्चा करने के लिए तो नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मदद करो थोड़ा सा बोल रहा हूँ। कौन करना? मेरा चंदन कुमार ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी कोमना ब्लॉक सभापति, एवं मोर सहयोगी जोगिंद्र करवा सकाल खबर रे प्रसारित हेला परे 8:30 समय रे मो पेपर को से खबर सकाल खबर को पढ़ली एवं मन भी। R9 भारत के लिए महेश बाग की रिपोर्ट, नुआपाड़ा। आज परजंग निर्वाचन मंडली में जिला खनिज फंड से विभिन्न उन्नति का कार्य का शुभ उद्घाटन हो गया। मान्यवर डेकानाल सांसद महेश साहू तथा मान्यवर परजंग विधायक श्री नरसिंह चरण साहू तथा बीजू जनता दल के सभी कर्मकर्ता योगदान दिया। जिला खनिज फंड से परमहंसपुर गोष्ठी केंद्र में 7,50,000, खालपाल उच्च विद्यालय में नया श्रेणी गृह तथा दीवार के लिए 14 लाख रुपए, कुलई गोपाल शाही आंगनबाड़ी केंद्र 15,50,000 रुपए, गेंगुटिया गांव सांस्कृतिक मंडप के लिए 9 लाख रुपए तथा गेंगुटिया पंचायत उच्च विद्यालय का नया कक्षा का घर तथा दीवार के लिए 20,50,000 रुपए, बजरंग बली पक्के घर बिसा नाली के लिए 5 लाख रुपए, जम्बू नाली प्राथमिक विद्यालय का नया कक्षा घर के लिए 15,50,000 रुपए, ददरा घाटी स्वास्थ्य केंद्र का मरीजों का प्रतीक्षालय के लिए 10 लाख रुपए के विभिन्न प्रकल्पों का उद्घाटन किया गया। R9 भारत के लिए गदाधर साहू की रिपोर्ट, डेकानाल।